हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा, तो स्वागत है आपका मिस्टर मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया नया नया, तो नया देखना तो क्या करना, जल्द से जल्द हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो अभी आए वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर मिस्टर शेख खान। तो मिस्टर खान जो है बहुत शर्माते हैं मुझसे, तो ये अप्पी ने ही शूट किया था। मैं उनको कहती मेरे साथ डांस कर लो, नए साल वाला ये वीडियो है, तो मैं कही डांस करो, बहुत शर्मा रहे थे, कहते नहीं 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 नहीं। तो आप देख सकते हो हम लोग डांस कर ही नहीं पाए। बाद में हम लोग थोड़ा बहुत किया भी, जब इनकी थोड़ी शर्म कम तो गाइस मेरी अप्पी ने जो है बाजी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, स्पेशल भेजा है। क्या क्या भेजा है, क्या नहीं भेजा है वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। थोड़ी चाय पी, हमारी अम्मी है, दोनों हाथों से गिलास से चाय पीती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या भेजा है, तो दिखाने जा रहा हूँ आपको कि गिफ्ट में क्या भेजा है। ओह माय गॉड, आराम से फोन लीजिए। ओ माय गॉड, खोलते हैं हम स्पेशली। थैंक यू आजी, थैंक यू। मैं अपनी बहन की तरफ से कह रही थी मोस्ट वेलकम। ये हैवी है ना, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, क्योंकि हमें हमारे पास स्टैंड सारे के सारे टूट चुके हैं। जरूरत थी इसकी वजह, थैंक यू, जा रहा हूं मैं घर अपने। चलो बाय बाय, चलो ओपन करो ना, जल्दी दिखाओ। खोलना है भी है? हाँ दिखाओ, अभी खोलने का है। वीडियो कॉल आ रहा है मिस्टर खान के दोस्त का, बात करेंगे उनसे भी। अभी मुझे खोलने का है, थैंक यू भाजी। ओ माय गॉड, ओफो शिट, नीचे गिरा। हां थैंक यू बाजी, कितना थैंक यू बोलोगे? अरे नहीं, गुस्सा कर देगी वो दो मिनट में, इतना भरे मारा सट के लिए वो। थैंक यू बाजी, मारेगी वो मुझे ही मारेगी। अरे ये अच्छा, लटका दो ऐसे इस तरीके से लो, तो ये बहुत अच्छा। इसका ओपन करो, या यहां से क्लॉक वो कर सकते हैं आप इसे। ओ ये तो बहुत हैवी वाला है बाबू, हैवी मतलब हैवी। ओ माय गॉड, यहां से इसके स्विच खोल दो, ये यहाँ से ये बंद कर दो, ठीक है सर, ये बंद कर दिए। अब इसको खड़ा कर लो, अब यदि आपको और जरूरत है बड़ा करने की से, तो इसके से ये खोल दो, ये देखो यहाँ से खोल दो, सॉरी। बस बस करो मिस्टर खान, अरे सब नहीं, समझ पूरा दिखाते थे ना लोगों को, लोगों का भी मनसा होगी देखने की भैया। थैंक यू बाजी, ये देखो। ओह माय गॉड, ये अच्छा। आप इसको जो है ये क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसे इसको उठा सकते हो। अरे माशाल्लाह यार, ये तो नई नई टेक्निक है भाई साहब, ये सही है। कितना ऊंचा कर लो अपना कैमरा, वाओ। अच्छा और ऊपर करो, कितना है? बस, 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 भाई साहब फिर भी बहुत अच्छा है, हाइट है, अच्छी है इसकी, और काफी अच्छा है, देख सकते हो। मैं कह रहा हूं यार, मिस्टर खान के फेस के बराबर आ गया। गाइस ये वाला लग ही नहीं रहा, दिखाना मिस्टर खान क्या नहीं लग रहा। सॉरी ढका आ रही हूँ मुझे, अरे हिचकी भी, कुछ फंडा नहीं समझ में आ रहा मुझे। लगाओ ये सब कपड़े, अभी सूखे नहीं है ये वाला, ये तो यहाँ पे हम सिर्फ मास्क रखते हैं और दरवाजे के पीछे रखते हैं कपड़े। मेरे पप्पू की चुराप है, लग रही है, नहीं हो रहा यार। हम YouTube पे चलो सर्च करके देखते हैं। तो मेरी सिस्टर कितना एडजस्ट करवा रही है मेरे बेटे को, कितना देर पैर बाहर निकाल दिया, बटन अपने आप खुल गए, तब भी मेरा बच्चा एडजस्ट करके लेटा हुआ, ये देख लो। ये तो कहते हैं कितना सुकूनदायी मिल रहा है, और मैं आप देख रही, देखो खुला हुआ पैर, ये पैर कहीं और बाहर, ये पैर कहीं और है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हो रही है मछली पार्टी, ये देखिए मछली चल रही है, ये मम्मी प्याज काटने जा रही है, और ये देखो कैसे खा रही है, देख रहा हूँ। तो हम अभी थोड़ा चक्के देखेंगे कैसा बना है, हल्का सा। तो गाइस ये देख लीजिए, मैं ले तो अम्मी थे, मम्मी मेरे थोड़ा सक के देखूंगी, आज मैं मोटी लग रही है, मम्मी मैं कितनी मोटी लग रही है नहीं। तो गाइस की रेसिपी आपको मेरी सिस्टर के ब्लॉग में मिल जाएगा, साथ में प्याज ये अम्मी। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मैंने बनाने के लिए रखा है मछली का चोखा,
तो ये हल्का सा नीचे लग गया है क्योंकि ये तेज आंच में हो गया था और मैं अफरान को दूध पिलाने लग गई थी, तो आप देख सकते हो। बट इसका चोखा अच्छा बनता है क्योंकि इस साइड से थोड़ा ठीक है और इस साइड से हल्का हल्का सिर्फ जो मसाले थे उसमें लगे हैं। तो ये प्याज काट के रखा, इसका मैं बाद में बताऊंगी रेसिपी। तो इसमें क्या क्या डाला है वो बता देती हूँ। इसमें डाला है आपका, सबसे पहले हम लोगों ने तेल गर्म किया, उसमें जीरा डाल दिया। तो जैसे जीरा अपने हिसाब से मतलब चट चट हो गया, यानी चट चटाचट, उसमें डाला है मैंने कांदा काट के, यानी प्याज। प्याज को हल्का सा लाल कर लिया। तो टमाटर मैंने 3 डाले मीडियम साइज के, उसी टमाटर में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको मैं धीमी आंच में भून रही हूँ और साथ साथ मैंने इसमें मसाला डाला है। इसमें है नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस इसके अलावा कुछ नहीं डाला मैंने। तो ये भी धीमी आंच में है और ये अच्छे से इसको भून रही हूँ जब तक तो मसाला नहीं भूनेगा। यहाँ हमारी मछली फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हो, और ये चोखे के लिए। तो आपको जब तक मसाले का कलर, आप समझते हो कि तेल जब तक ना छोड़े तो मसाला मसाला नहीं होता। तो गाइस कल रात की रेसिपी आधी अधूरी रह गई थी क्योंकि मसाला भूनने के बाद ना अफरान रोने लग गया, तो उस पर ध्यान ज्यादा चला गया और हम लोगों ने खा पी के एंड कर दिया। बट अगर आप कहोगे तो मुंह से बता दे, तो मसाला भूनने के बाद कुछ नहीं करना था, उसमें बस पानी डालना था। और पानी डाल के उसके बाद जैसी खोल अच्छी से आ जाएगी, जितना आपको मछली है उसके अकॉर्डिंग पानी डालना था, और अच्छे से खोल आ जाएगी पानी में, उसके बाद मछली ऐड करके 5 मिनट उसको और ढक के छोड़ के आपकी सब्जी कंप्लीट है। और ऊपर से धनिया का पत्ता डाल दो, जाओ। तो गाइस हमारी सुबह की नाश्ता हो रहा है, आप देख सकते हो, ब्रेड है, पकोड़े हैं, चाय है और साथ में मम्मी का दिया हुआ वो भुना हुआ, दिखाना, धुआं निकलती चाय। आहा, अम्मी का दिया हुआ ये इधर साइड में कोने में रखा हुआ है, इसे अकेला मैं खाऊंगा भाई साहब। तो भाई लोगों, बाहर हो रही है बारिश, बारिश में क्या खाने का है? पकौड़े, पकौड़े और चाय खाने का है। आप लोगों के यहाँ तो उधर भी बारिश हो रही है, तो जल्दी से जाइए किचन में और बनाइएगा पकौड़े और चाय। एक बार और दिखा दूं, और खाइएगा। दिखा देता हूँ मैं दोबारा से आपको, ताकि थोड़ा थोड़ा सा गर्मा गर्म पकौड़े और ये गर्मा गर्म चाय। सुदो। तो गाइस कल का वीडियो हम लोग आधा छोड़ दिए थे, अभी ऑफिस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अभी बिस्तर पे ही हूँ आप देख सकते हो, और ठंड ठंड हो रहा है। तो हम लोग जो है आज अब भी हमारी गाइस मैं निकल रही हूँ बॉम्बे आज, आज अब भी जा रही है। मोटापा दिखता है जब ये मेरा टूंडा चोट लगा हुआ ना, ये टूंडा बाहर बहुत ज्यादा दिखता है। देखो गाइस, अरे डबल चिन आ गया रे, अल्लाह पाक भाई साहब। तो गाइस अपने के लिए दुआ करना, अच्छे से जाए, सेफ जाए और बस तरक्की करे। इस साल हमें बहुत कुछ करना और करके रहेंगे इंशाल्लाह, आमीन सुमामीन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने ब्लॉग को मैं आज करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो क्या करना है, हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो अभी आए वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हम मैं आपके मिस्टर मिस्सी शेख खान।